हेलो गाइस, तो अभी ये जो अपडेट आया है वो है MEA इंडिया की तरफ से, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड बट स्टक इन इंडिया, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं अभी, ठीक है, लेकिन वो कहाँ स्टडी कर रहे थे, अब्रॉड स्टडी कर रहे थे, जो इंडिया आए हुए थे और फंस गए ड्यू टू कोविड-19 एंड रिलेटेड इश्यूज, कैन गेट इन टच विद द OIA 2 डिवीजन एट MEA इंडिया, और उन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है, विजिट बिटली टू नो मोर। तो इस लिंक के ऊपर जाकर आप अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, देन यू विल गेट टू नो कि वहां पर आपको एक प्रोसीजर दिया होगा, ठीक है। तो आपको अपने कोऑर्डिनेट से, यानी कि अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको भेजना होगा, ठीक है। दो तरह की ईमेल्स हैं, एक है US.OIA2 और सेकेंड है SO1OIA2, नॉट रिलेटेड टू कैनेडा, ओके। ये उन सभी के लिए है जो इंडिया से बाहर गए हुए थे लेकिन इंडिया आए हुए थे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी इनकम्प्लीट है कि क्या वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने यहीं से स्टार्ट किया हुआ था, क्या वो इसके लिए एलिजिबल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर के लिए अप्लाई हो, क्या उन्हें भी रजिस्टर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ ये कह दिया कि जो स्टक हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे दूसरे कंट्रीज में, इंडिया से बाहर, वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो इंडिया में ही हैं अभी अभी बाहर नहीं गए, फॉरेन कंट्री में नहीं गए, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड टू दोज पीपल जो कैनेडा ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे लेकिन इंडिया आए, ठीक है, अभी भी उनकी स्टडी चल रही है और कोविड की वजह से वो यहीं फंस गए। आई वुड सजेस्ट देम टू सेंड द डिटेल्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इज, अगर सभी के लिए अपडेट आया तो कोई ना कोई इन फ्यूचर अपडेट आएगा। तो जस्ट फॉर नाउ, ठीक है, जिनका वीजा आ चुका है, जो ऑलरेडी बाहर गए हुए थे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया वापस आए हुए तो यहीं रह गए, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ वही लोग करो, बाकी लोग एक बार मत करना, इन फ्यूचर देखेंगे क्या सीन है। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, थैंक यू।